हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश। आप देख रहे हैं टेक्निकल रुपेश। दोस्तों, ये हम बात करने वाले इस वीडियो में रिजॉल्व इंप्रूव लाइफ इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी में अगर आप परचेजिंग कर लेते हो और रिफंड डालते हो तो क्या जो आपका अपलायन है वो आपको पैसा देने वाला है, या फिर आपका जो पैसा आपने कंपनी में जमा किया है वो कंपनी पैसा देने वाली है? पूरा का पूरा मेथड समझेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बंदे मेरे पास यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने रिफंड डाल दिया है, अब हमें हमारा अपलायन पैसा देगा या फिर कंपनी पैसे देगी, या फिर हमारा अपलायन पैसा देगा या फिर नहीं देगा, या फिर पैसा कौन देगा। सारे के सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि रिजॉल्व इंप्रूव लाइफ इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो रिफंड आप डालते हो वो पैसा कौन देता है। तो सबसे पहले आपको रिफंड का प्रोसेस समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि कौन पैसा देगा, कंपनी पैसा देगी या फिर आपका जो अपलायन है वो पैसा देगा। तो सबसे पहले हम जो रिफंड पॉलिसी है वो समझ लेते हैं। रिफंड पॉलिसी बेसिक 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो रिफंड पॉलिसी है वो बोलती है, सबसे फर्स्ट लाइन बोलती है कि अगर आप 2 दिन के अंदर, यानी कि लास्ट जो जो आप परचेजिंग करते हो तो परचेजिंग करने के 2 दिन के अंदर अगर आप रिफंड डालते हो तो आपका 100% पैसा आने वाला है। ओके, और साथ ही में ये और क्वेश्चन थे कि मैं आपको बता दूं अगर हमें अपलायन पैसा देगा तो कितने परसेंट काट के देगा, यानी कि कोई रिफंड का चार्जेस भी लगता है या फिर रिफंड चार्जेस भी लगते हैं रिजॉल्व इंप्रूव लाइफ इंडिया मार्केट कंपनी में। इसे शॉर्ट में भी बोलते हैं RIL कंपनी। ओके, तो वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। एंड जो सेकंड पॉलिसी बोलती है कि अगर आप 17 दिन के अंदर रिफंड डालते हो तो आपको 80% पैसा मिलेगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है उसका रिफंड पॉलिसी का, वो है कि अगर आप जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है 17 दिन के अंदर, प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपके पास डिलीवर हो जाता है 17 दिन के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी को प्रोडक्ट वापस करना पड़ेगा। एंड कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को पहले चेक करेगी। चेक करने के बाद कंपनी क्या करेगी, अगर आप जो प्रोडक्ट कंपनी ने भेजा है वो प्रोडक्ट एक्यूरेट है या फिर नहीं है। अगर एक्यूरेट हुआ तो आपका जो 80% पैसा है वो आपको मिल जाएगा, एंड अगर एक्यूरेट नहीं है तो कंपनी आपको रिफंड यहाँ पे कैंसिल कर देगी। जो आपने प्रोडक्ट भेजा है वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे रिटर्न भी कर देगी, यानी कि वो प्रोडक्ट आपको वापस कर देगी। चौथा जो पॉइंट है रिफंड पॉलिसी का वो है कि आप अगर UPI पेमेंट कर रहे हो, जब आप परचेजिंग कर रहे हो तो जो आपने पेमेंट किया है वो UPI है, जैसे कि UPI होता है फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, ये होता है। अगर आपने UPI किया है तो जो आपका रिफंड का पैसा है वो UPI में आएगा। यानी कि जिस अकाउंट से आपने परचेजिंग की है, जिस फोन पे से परचेजिंग की है या जिस पेटीएम से परचेजिंग की है, वो पैसा उसमें वापस आएगा। अगर आपने नेट बैंकिंग की है तो जिस नेट बैंकिंग की है यानी कि उसमें ही पैसा आएगा। और अगर आपने जो परचेजिंग की है वो क्रेडिट कार्ड से की है, तो उस क्रेडिट कार्ड में ही यहाँ पे पैसा जाने वाला है। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट थे। अब ये आपने रिटर्न पॉलिसी को यहाँ पे समझ लिया तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका पेमेंट है। ये जो 3 पॉइंट है ये आपके मतलब के नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताए थे। यानी कि जो आपका पेमेंट है, आपके क्वेश्चन ये थे कि आपका जो पैसा है वो पैसा हमें हमारा अपलाइन देगा या फिर नहीं देगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो बोलता है यहाँ पे कि अगर आप
यूपीआई पेमेंट कर रहे हो या नेट बैंकिंग पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हो या फिर डेबिट कार्ड पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो आपका पैसा उसी में रिटर्न जाएगा। तो अगर आपने कंपनी को पेमेंट कर दिया है तो देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके अपलाइन के पास कि वो आपका पैसा वापस दे, वो अपनी पॉकेट से तो यहाँ पे पैसा वापस करने वाला है नहीं, तो वो आपका पैसा है आपके अकाउंट में ही यहाँ पे चला जाएगा। बट एक शर्त होती है, काफी लोग यहाँ पे ये और गलती कर देते हैं, जो आप पैसा करते हो यानी कि जब आप परचेजिंग करते हो तो पैसा क्या करते हो कि आप अपने अपलाइन के अकाउंट में डाल देते हो, ओके, अपलाइन के अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफर कर देते हो। अब पेमेंट और ट्रांसफर आपने अपलाइन के में कर दिया तो क्या होगा, अपलाइन ने यहाँ पे क्या की, आपकी परचेजिंग है वो आपके अपलाइन ने यहाँ पे की, ओके, तो पैसा क्या होता है वो अपलाइन के अकाउंट में जाता है, ओके। आपको सबसे पहले इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप परचेजिंग करवा रहे हो तो आपको खुद पेमेंट करना है यानी कि सेल्फ पेमेंट करना है, ओके, तो आपको खुद पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट की यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी आपका पैसा आएगा वो पैसा आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। अगर आप 2 दिन के अंदर रिफंड डालोगे तो 100% पैसा आएगा, एंड अगर 2 दिन के बाद पेमेंट रिफंड डालते हो या फिर 17 दिन के अंदर रिफंड डालते हो तो आपका 80% पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। अब इस केस में आप जब अगर आपने इजीली खुद पेमेंट किया है तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे आपका पैसा मिल जाएगा। अब आपने अगर अपलाइन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है या फिर कैश दिया है, अपलाइन ने क्या किया, अपने अकाउंट में पैसा जमा करके आपकी परचेजिंग यहाँ पे कर दी, अब वो पैसा अपलाइन के अकाउंट में ही आएगा, तो वो पैसा अपलाइन के अकाउंट में आएगा तो वो पैसा आपको अपलाइन से लेना है, ओके, आपको जो आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, ओके, जो आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं उस पे आपको माई ऑर्डर में जाना है, ओके, माई ऑर्डर में जाके उस पे वहां पे शो भी करा देगा कि आपका परचेजिंग कब कब हुई है यानी कि किस डेट को हुई है, वहां पे डेट भी यहां पे शो करा देगा। और अगर आपने रिफंड डाला है तो उसमें रिफंड भी शो कराएगा कि आपने रिफंड कब डाला है। मान लीजिए आपके रिफंड आपने नहीं डाला, आपके अपलाइन ने रिफंड डाला है, तो आपको पता नहीं है किस डेट को यहाँ पे रिफंड डाला है आपके अपलाइन ने, तो वो आप डेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर रिफंड डालने का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लेट हो जाता है, 17 दिन के बाद रिफंड डालेगा अगर आपका अपलाइन, तो वो रिफंड आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका कोई भी पैसा यहाँ पे रिटर्न नहीं होने वाला है, जो आपने परचेजिंग की है वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी भिजवा देगी, ओके, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है, ओके। तो इस कंडीशन में काफी लोग होते हैं कि आपने जो पैसा कैश दे दिया है अपलाइन को, अब आपका अपलाइन ने परचेजिंग आपकी नहीं की, आपकी परचेजिंग नहीं की तो उस केस में क्या होता है, आप वो पूरा पैसा होता है वो अपलाइन रख लेता है अपने पास, आपसे बोल देता है, महीने दो महीने घुमाता है कि नहीं हमारी परचेजिंग नहीं हुई है, ओके, यानी कि सॉरी आपका जो अपलाइन है वो बोल देता है आपकी परचेजिंग हो चुकी है, और तो उस केस में पूरा का पूरा पैसा आपका अपलाइन रिफंड करेगा, अगर नहीं करता है तो आपको कानूनी कार्रवाई यहाँ पे करनी चाहिए, ओके। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि आपका जो पैसा है वो कंपनी रिफंड करेगी या फिर आपका अपलाइन रिफंड करेगा, सारे के सारे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है कि प्रोसेस हमारा रिफंड करवा दीजिए, रिफंड किस तरीके से करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 89 रुपये यहाँ पे पेड करना पड़ेगा, एंड पेड करने के बाद आपको मेरा वहां से व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ओके, एंड आपको मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, दोनों नंबर वहां पर मिल जाएंगे, एंड आपको जो पेमेंट किया है 89 रुपये का, आपको चैनल ज्वाइन करने का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे, एंड अगेन मेरे पास कॉल करना, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करवा दूंगा ऑनलाइन ही, या फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा, सारे के सारे तरीके आपको बता दूंगा, ओके।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक कर दिया करो। तब तक के लिए यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।